हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग HTML का बहुत इम्पोर्टेंट टैग होता है और ये यूज़ होता है किसी डाटा को टेबुलर फॉर्म में शो करवाने के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल क्रिएट कर ली है Lecture 10 के नाम से। सबसे पहले मैं HTML की बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपके पास भी विजुअल स्टूडियो कोड है, आप भी विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क की हेल्प से HTML का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ टाइटल में लिख देता हूँ टेबल टैग। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक H3 टैग लगा लेता हूँ, टेबल टैग इन HTML। ठीक, तो टेबल टैग यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते लगाते हैं यहाँ पर टेबल का टैग, टेबल। और टेबल टैग के बीच में टेबल टैग के कुछ सब टैग होते हैं, जिसकी हेल्प से हम HTML में एक टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे TR, TH, TD एटसेट्रा। चलो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे TR। TR रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को, यानी कि टेबल की रो क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं TR टैग। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं TR टैग के अंदर यूज होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर TH टैग। TH टैग शो करता है टेबल हेडर को। ठीक, यानी कि टेबल में जो किसी रो के किसी मतलब एक रो बनाई है, उसको हमने एज अ हेडर लेना है, तो हम यहाँ पर करेंगे TH टैग। ठीक, यहाँ पर हम सपोज लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे की तरफ विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। ठीक, मैंने यहाँ पर दो बार ये कॉपी कर लिया है एंड यहाँ लिखता हूँ मैं मंथ, यहाँ लिखता हूँ सेविंग। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पर एक और TR टैग क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक, अब इसके अंदर मैं यूज करूंगा TD टैग। ऊपर हमने यूज किया TH टैग, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैं TD टैग। TD रिप्रेजेंट करता है टेबल सेल को, यानी टेबल के कॉलम्स को। ठीक, अब और चलिए अभी आप ब्राउजर में इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है TH और TD के बीच में। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 एंड कॉपी द TD टैग 2 टाइम्स एंड यहाँ लिखता हूँ सपोज मैं जैन एंड यहाँ लिखता हूँ 10,000। मैं एक और यहाँ पर TR टैग क्रिएट कर लेता हूँ, एक और TR, सॉरी अभी मैं आपको पहले इसी को ही मैं पहले ब्राउजर में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक टेबलर की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में डाटा आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर TH और TD में क्या डिफरेंस है। अगर आप TH के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो क्या होगा, वो एक हेडर की फॉर्म में, यानी कि वो थोड़ा सा बोल्ड होके आ जाएगा, यानी कि वो थोड़ा हमें बोल्ड शो होगा। लेकिन TD के केस में ऐसा नहीं होता। TD में हमारा टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आता है, नॉर्मल उसमें आता है, फॉन्ट में आता है, इसमें कोई बोल्ड होके नहीं आता। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये टेबल एक तरह से क्रिएट तो आ गया, पर ये देखिए सीरियल नंबर के नीचे 1 आ गया, मंथ के नीचे जैन, सेविंग के नीचे 10,000। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये टेबल है या हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है या कुछ है। ये मतलब एक स्ट्रक्चर वे में नहीं आया, एक अच्छे से फॉर्मेट में नहीं आया, ये मीन्स हम कह सकते हैं भाई अच्छा नहीं लग रहा है देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ टेबल के अंदर और इसका एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं टेबल को बॉर्डर देने के लिए। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 1, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका टेबल का बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि यह बॉर्डर में यहाँ पर ये स्पेस आ रहा है बीच में, इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। एक और इसका एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग, इसको हम अगर कर देते हैं 0, तो ये देखिए स्पेस ख़त्म हो गया है बॉर्डर में। हम ये यहाँ पर बॉर्डर को कितना भी दे सकते हैं, यहाँ पर सपोज मैं देता हूँ 10,
10 में ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्पॉल मैंने दे दिया 5, 5 में थोड़ा कम होगा। अभी के लिए हम इसको 1 ही रख लेते हैं, ठीक। तो चलिए ये देखिए, ये हमारी होगी 1 रो, यानी कि 1 TR। ये होगी हमारी नेक्स्ट TR जिसके अंदर हमने TD लिखे थे, ठीक है। तो अभी हमने इसके नीचे एक और रो बनानी है, एक और रो लिखनी है फैब के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और TR टैग लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर TD एंड यहाँ पर 2, एंड इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे लिखता हूँ फैब, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया 8000। अब मैं एक और TR लगाता हूँ, इसी को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 3, यहाँ लिखता हूँ मैं सपोज मार्च, एंड यहाँ भी रहने देता हूँ 8। अब मैं एक और TR टैग को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं अप्रैल, ठीक। एंड सपोज अप्रैल में कोई सेविंग नहीं हुई, अप्रैल मंथ में कोई सेविंग नहीं हुई, तो यहाँ पर मैं इसको 0 लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक। तो अब चलते हैं ब्राउजर के अंदर, आप देखेंगे रिजल्ट एक टेबल बन के आ गया है, सीरियल नंबर, मंथ, सेविंग एंड जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एटसेट्रा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्च में 8000 सेविंग हुई, अप्रैल में 0 हुई, ठीक है। तो मैं अब क्या चाहता हूँ कि ये मार्च और अप्रैल का डाटा मैं यहाँ पर एक ही रो में शो करवाऊँ, ठीक। एक रो में मतलब आप देखिए, मार्च और अप्रैल की टोटल सेविंग कितनी हुई है, 8000। मतलब अप्रैल में तो कोई सेविंग नहीं हुई, मार्च में हुई है 8000। तो मैं चाहता हूँ कि मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ पर ये जो 8000 है ये एक ही रो में शो हो, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो रोज को 8000 और 0 वाली रो को यहाँ पर मर्ज कर देंगे। इसको मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं रो स्पैन, ठीक। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले सपोज मुझे इसके बाद इस वाले कॉलम को इस वाली रो को 2 रोज में मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज रो स्पैन और यहाँ लिख देता हूँ 2। अब चलते हैं, ये देखिए, ये जो रो है ये 2 रोज जो है आपस में मर्ज होके एक रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ आ रहा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो अब मर्ज हो चुकी है एंड यहाँ पर ये एक रो में आ गया है, ठीक है। इसे बोलते हैं रो स्पैन। अगर हम चाहें तो हम तीन तीन रोज को भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ, रो स्पैन इक्वल टू 3, और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए अब रो स्पैन 3, यानी कि 3 रोज मर्ज हो गई है, ठीक। इसको बोलते हैं रो स्पैन, ठीक। अब मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ एक और रो ले लेता हूँ नीचे, भी इसको एक फॉर्मेट दे देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ TR, एक और रो ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं TD, और यहाँ लिखता हूँ मैं सपोज ग्रैंड टोटल, एंड यहाँ पर एक और TD दे देते हैं अभी, एंड यहाँ TD लिखते हैं। हमारा टोटल देखिए कितना बना था, 10000 प्लस 8 26000, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला कॉलम, ये जो ग्रैंड टोटल है ये इस दोनों कॉलम्स के बीच में आए लिखा हुआ, यानी कि दोनों कॉलम्स में आए, ठीक है। तो हम इन दो कॉलम्स को, ये जो ब्लैंक है कॉलम इसको और जिसमें ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है इसको, हम अब इन दो कॉलम्स को मर्ज करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड अभी देखिए यहाँ पर रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ कॉल स्पैन, इसको मैं लिखता हूँ 2। अब देखिए, ये देखिए, दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट कॉल स्पैन, और ये लगता है TD के साथ, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डाटा है इसका टेबल का, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं रोज के अंदर,
या फिर सभी कॉलम्स के अंदर वो सेंटर में आए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रो को देंगे, सपोज यहाँ पर देंगे अलाइन, यहाँ पर लिखेंगे सेंटर। ये देखिए इस रो का डाटा जो है, सारा डाटा जो है सेंटर में आ गया है। ऐसे ही हम सेम कर देंगे बाकी सभी रोज के लिए। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, ये देखिए ये हमारा डाटा जो है सेंटर में आ गया है। ये एट्रीब्यूट है हमारे टी आर टैग का। ठीक, ये हम अलग अलग टी डी में भी लगा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इसका जो पूरे टी आर की, मतलब सभी तीनों कॉलम्स के हम सेंटर में नहीं चाहते, किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेंटर में चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं टी डी के साथ। ये काम हम सी एस एस की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये अलाइन सेंटर एंड बॉर्डर एट्सेट्रा, बॉर्डर सेल स्पेसिंग, ये सब हम सी एस एस की हेल्प से भी कर सकते हैं। जब मैं सी एस एस के ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि सी एस एस की हेल्प से हम टेबल के अंदर बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो हमने ऊपर लिखा सीरियल नंबर मंथ सेविंग, ये हमारे टेबल का है हेडर। ठीक, और इसके नीचे ये जो हमारा डाटा शो हो रहा है ये हमारा है टेबल की बॉडी के अंदर। और ये जो हमने ग्रैंड टोटल लगाया है ये है हमारा टेबल का फुटर। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा हेडर है, कौन सा बॉडी है एंड कौन सी जो है फुटर है। ठीक, तो हम यहाँ पर ये भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो टैग होता है टेबल हेडर के लिए, यहाँ पर होता है हमारे पास टी हेड टैग। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं एंड यहाँ पर इसे कट करके इसके बाद जो है यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब टेबल की बॉडी के लिए हमारे पास टैग होता है टी बॉडी। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ लास्ट में इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक, एंड लास्ट होता है हमारा टेबल के फुटर के लिए टी फुट। ठीक, इसको भी मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर एंड कर दूंगा। ठीक, अब इसे करते हैं सेव एंड फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आउटपुट के अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। लेकिन इसका यूज़ क्या है, हम यूज़ किस लिए करते हैं टी हैंड टी बॉडी एंड टी फुट को के लिए, इसका हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र को। इससे क्या होगा कि ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा हेडर है, कौन सी जो है टेबल की बॉडी है एंड कौन सा टेबल का फुटर है। ये देखिए मैं आपको इसके फॉर्मेट में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम इसे एक्सपेंड करते हैं या चलते हैं टेबल के अंदर। ये देखिए यहाँ पर टी हेड टी बॉडी एंड टी फुट आ चुके हैं। ठीक, इससे क्या होगा हमारे ब्राउज़र को, हमारे सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि टी हेड कौन सा है, टी बॉडी कौन सा है एंड हमारा फुटर कौन सा है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा हम टेबल टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना और उसके सब टैग्स के बारे में जाना। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।